अब कर देते हैं अध्याय दो। अध्याय दो अध्याय दो उसका 20 और 21। डैनियल चैप्टर 2 डैनियल अध्याय 2 परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। डैनियल मनाला देवा से नाम युगानुयुग धन्यवाद करतो कारण ज्ञान व बल के कैसे कार्य तो प्रसंग व समय बदलतो तो राजा ने स्थानापात्र अथवा स्थान भ्रष्ट करतो तो ज्ञान ज्ञान देतो व बुद्धिमानस बुद्धि देतो। अपन डोले बंद करो, हम आपको बंद करेंगे। वही जो बिना आपको धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो मदद करना। हमें आज्ञा पालन कर रहे हैं कि हमारी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है मालूम, आणि आपला देव कसा आहे, समयों को ऋतु को बदलता है तो वेळा ऋतूंना बदलणारा आहे। डॅनियल अध्याय 2 उसका 20-21 हम जो पढ़ रहे हैं। डॅनियल अध्याय 2 त्याचा 20-21 हमारा परमेश्वर भी इतनी शक्ति है कि जो समय अभी हम देख रहे हैं कि अभी पौने तीन हो रहा है, फिर 3 बज रहा है, फिर 3:30 बज रहा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड आगे जाने का ये जो अथॉरिटी है वो हमारा परमेश्वर करता है। आणि एक एक मिनट आणि एक एक जे सेकंड आहे ते पुढे जाण्याचा अधिकार आपल्या देवाकडे आहे। पृथ्वी पर किसी को भी नहीं कि वो समय को रोक सकता है। आणि पृथ्वी मध्ये कोणाकडेच नाही कि तो वेळेला अडवू शकतो। साथ साथ ऋतू को बदलना आणि सोबतच ऋतूंना बदलणं, रूप देणं आणि कोण पाडणं, बारिश देणं, पाऊस देणं, थंडी देणं, थंडी देणं, हे सारा जो आहे हे परमेश्वर करता है। आणि जे सर्व काही करतो देव करतो। उसी रीति से परमेश्वर के पास इतनी अथॉरिटी की जिन राजाओं को, जिन अधिकारियों को, जिनको प्रधान बनाया उनको नीचे करना, नीचे करना, जिन्होंने जिस परमेश्वर ने उन्हें बिठाया उन्हें नीचे करना भी वो जानता है। आणि देवाकडे हा सुद्धा अधिकार आहे की ज्या राजांना किंवा जे नायक आहेत त्यांना देवाने उंच स्थानावरती बसवलं त्यांना त्यांच्या स्थानावर स्थान प्रष्ट करून खाली पाडण्याचा सुद्धा अधिकार आहे। राजाओं को बनाने का जैसे उसे अथॉरिटी है वो करता है और वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, वैसे उनका नीचे गिराना भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को बनाना भी आता है, गिराना भी आता है। आणि राजा हे देवाकडून बनण्यात येतात आणि त्यांना उंच करण्याचा अधिकार सुद्धा देवाकडे आहे आणि खाली पाडण्याचा अधिकार सुद्धा देवाकडे आहे। इसलिए हमें राजाओं से डरना नहीं है आणि म्हणून आपण राजा लोकांना घाबरायचं नाही पण उनके आधीन रहना है, परंतु त्याच्या आज्ञेमध्ये राहायचं। लेकिन अगर वो हमसे कुछ ऐसी गलत बातें करवाते, गलत काम करवाते तो हमें नहीं करना। आणि जर काही चुकीच्या गोष्टी त्या आपल्याकडून करून गेलं किंवा चुकीच्या गोष्टी सांगतात तर मग आपण ते करायचं। जसे डॅनियल के काल में वहां के उस समय के राजाओं ने मूर्ति पूजा करने के लिए आज्ञा दिया। आणि जसं डॅनियलच्या काळातले जो राजा होता त्याने मूर्ति पूजा करण्याची आज्ञा दिली। परमेश्वर के सामने वो जो डॅनियल के जो 3 मित्र थे वो परमेश्वर के सामने झुके लेकिन मूर्ति के सामने नहीं झुके। आणि डॅनियलचे जे 3 मित्र होते ते देवाच्या समोर झुकले परंतु त्या मूर्तीसमोर ते लोक झुकले नाही। इसीलिए देखो उनको आग के भट्टी में डाल दिया गया लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। आणि म्हणून त्यांना आगीच्या भट्टीमध्ये टाकण्यात आलं पण देवाने त्यांना वाचवलं। राजाओं को बनाना, राजाओं को मन बदलना हे परमेश्वर के हाथों में। आणि राजांना बनवणं आणि त्यांचं जे मन आहे ते बदलणे देवाच्या हातामध्ये। राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथों में। आणि राजांचं जे हृदय आहे ते देवाच्या हातामध्ये आहे। चाहे वो कठोर कर सकता है, जब चाहे उन्हें नरम कर सकता है। आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्यांचं मन कठोर करू शकते, जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्यांचं मन नरम करू शकते। सारे पृथ्वी पर जितने भी गवर्नमेंट है उन सबसे बड़ा गवर्नमेंट है परमेश्वर का गवर्नमेंट। हमें उससे ज्यादा करना है, अपने जीवन में प्रथम स्थान हमारे गवर्नमेंट यानी यीशु मसीह के गवर्नमेंट को देना है। आणि सर्व पृथ्वीवरती जे काही गवर्नमेंट आहे त्याच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ जो गवर्नमेंट आहे तो आपला आहे यीशु ख्रिस्त। आणि आपण त्याला घाबरायचं आहे, त्याला मान आणि सन्मान द्यायचा। आपण उसको आदर देते, उसको मान देते और उसको जो अच्छा लगता है वो करेंगे तो पृथ्वी का गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा। आणि जर आपण त्याला मान आणि सन्मान देतो त्याला जे काही आवडतं त्याच्यानुसार आपण जगतोय तर जो पृथ्वीचा गवर्नमेंट आहे तो नियंत्रणामध्ये राहील। याद रखो पृथ्वी का गवर्नमेंट हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। आणि लक्षात ठेवा की जो पृथ्वीचा गवर्नमेंट आहे तो काही आपलं वापर करू शकत नाही। पृथ्वीचे राजा डॅनियल को मिटाने आले होते। आणि पृथ्वीचे जे राजा होते ते डॅनियलला मिटवायला आले होते। डॅनियल मेन मन मिटा नाही आणि डॅनियलला मन मिटला नाही। शिव 3 मित्र मन मिटले नाही आणि त्याचे जे 3 मित्र होते ते मन मिटले नाही। हमारे अंदर गवर्नमेंट के लिए आधीनता होनी चाहिए लेकिन ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि वो जो कुछ गलत बोले वो हम करें। आणि आपल्या मनामध्ये गवर्नमेंट ची भीती असली पाहिजे परंतु असं भीती नसू दे की जे काही ते लोक चुकीचं सांगतात ते आपण तर करतोय। वो जो कुछ गलत
गलत करेंगे, गलत राह पर चलाएंगे, चलाना चाहते उसमें हम शामिल होना ये गलत है। आणि जे काही त्या चुकीच्या मार्गावर किती लोक आपल्याला चालू इच्छित तर त्याच्यामध्ये आपण शामिल होणे ही चुकीची गोष्ट आहे। हे परमेश्वर आज हमें शिकवत आहे आणि हे देव आज आपल्याला शिकवत आहे। अधिकारी के लिए प्रेयर करे आणि आपण अधिकारी लोकांसाठी प्रार्थना करा, बदलने के लिए प्रार्थना करे आणि त्यांनी बदलण्यासाठी आपण प्रार्थना करा। ही अथॉरिटी हमारे पास है आणि हा अधिकार मिळणं आपल्याकडे आहे। मसीह लोगों के गवर्नमेंट के प्रजा के लोग है आणि आपण ख्रिस्ताचे गवर्नमेंट आहे, प्रजेचे लोक आहे। बाइबल हमें बताते हैं हम परमेश्वर की प्रजा है आणि आप पत्रस के पत्री में पढ़ सकते हैं। पेत्रस के पत्री मध्ये तुम्ही लोक वाचू शकता की आपण ख्रिस्ताची लोक आहोत। परमेश्वर हमारा प्रधान है आणि देव आपला प्रधान आहे, राजा है तो आपला राजा आहे, हम उसकी प्रजा है आणि आपण त्याची प्रजा आहोत। इसलिए हम सबसे पहले इस भारत देश के और इस संसार के प्रजा होने से पहले हम परमेश्वर की प्रजा है, ये हमेशा याद रखना है। आणि आपण भारताचे आणि जे जग आहे त्याच्या प्रजा असल्याच्या पहिले आपण लक्षात ठेवायचं आहे की आपण देवाची प्रजा आहोत। तो इसीलिए हमें पहिले परमेश्वर के आधीन रहना है आणि म्हणून पहिले आपण देवाच्या आधीनतेमध्ये राहायचं आहे। रूल्स को हम पालन करना आणि त्याचे जे काही नियम आहे त्यांना पालन करायचं आहे। संसार के रूल हमें कुछ रुकावट देते हैं परमेश्वर की भक्ति के लिए, तो हमें हमारे गवर्नमेंट के आधीन न रहकर हमारे परमेश्वर के गवर्नमेंट के आधीन हमें रहना है। आणि जगाचे जे नियम आहेत ते आपल्याला देवाची भक्ती करण्यासाठी जर अडथळे टाकत असते तर त्यांच्या नियमांखाली आपण राहू नये, परंतु जे देवाचे नियम आहेत ते आपण पालन करायचं आहे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आधीन रहे और हम हमारे पृथ्वी के गवर्नमेंट के राजाओं से डरे नहीं। आई बुरे है, दुष्ट है, कपटी है, रोगी है या परमेश्वर का भय नहीं मानते, लेकिन वो हमें सताने के लिए आए तो उनका बिल्कुल डर नहीं माने। आई हम किसको डरे, जिसने उसको रखा है उसको नीचे भी कर सकता है आणि ज्यांनी त्याला कप ठेवलेला आहे तो त्याला खाली सुद्धा पाडू शकतो। जिन राजाओं को अपना राज सिंहासन संभालना आहे, जिन पॉलिटिशियन्स को आपली कुर्सी संभालनी आहे, तो उनको ये भी काम करना है, मसीहों के अगेंस्ट खड़ा नहीं रहना है। आणि ज्या पॉलिटिशियन्स लोकांना त्यांची जी कुर्सी आहे ती सांभाळून ठेवायचं आहे तर त्यांना एकच काम करायचं आहे, जी ख्रिस्ती लोक आहे त्यांच्या विरोधामध्ये नाही राहायचं। अगर मसीहों से लढे आणि जर ख्रिस्ती लोकांची सताव किया त्यांना सताव केला कुर्सी नाही मिळेली, जिस कुर्सी पर वो बैठे वो कुर्सी से उन्हें नीचे गिरा दिया जाएगा, नीचे बैठना पड़ेगा। ऐसा प्रतिवर्षी के लोग बसले थे कुर्सी को तो तैना काटू का नहीं देते तैना खाली बसाव लगा, कभी कुर्सी नहीं मिलेगी, कभी तैना कुर्सी बैठना है, कभी भी नहीं, कभी से नहीं। कितनी आशा रखेंगे, कितने माफी मांगेंगे तो भी उनको वापस कुर्सी नहीं दी जाएगी। आणि किती आशा ठेवली किती माफी मागितली तरी त्यांना पुन्हा ती कुर्सी देण्यात नाही आहे। मसीहों को जिन लीडर्स जो सताते हैं उनको फिर से कुर्सी नहीं दी जाती। परमेश्वर देखता है कि मैंने तुझे अधिकारी बनाया, मैंने तुझे शासन करने वाला बनाया, मैंने तुझे ऊंचे पद पर रखा, इसलिए रखा ताकि तू गरीबों को मदद करे, मसीहों की देखभाल करे, तू अच्छी रीति से काम करे, तू कमा सब कुछ करना ही कर, लेकिन मसीहों को मेरे प्रजा को तकलीफ नहीं देना। और जिस परमेश्वर की प्रजा को जो तकलीफ दिया जाता है वो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य पराक्रमी हाथों के नीचे आ जाता है। आणि जो व्यक्ति देवाच्या प्रजेला त्रास देतो तो व्यक्ति देवाच्या सामर्थ्य आणि पराक्रमी हाताखाली येतो। इसलिए परमेश्वर राजाओं को उतार देता है, अस्त कर देता है। आणि म्हणून देव त्या राजाचा अस्त करतो, त्याला खाली उतरतो। परमेश्वर ने उनको उदय किया आणि ज्या देवाने त्यांचा उदय केला वही परमेश्वर उन्हें अस्त भी कर देता है आणि तोच देव त्यांचा अस्त सुद्धा करतो। इसलिए प्रियो याद रखो इनकी कालगत जो मर्यादा है, उनका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो परमेश्वर के हाथ में है आणि त्यांचा कार्य करण्याचा जो वेळ आहे आणि त्याची जी मर्यादा आहे ती देवाच्या हातामध्ये आहे। उनको लंबा चाहिए आणि जर त्यांना लांब हवं आहे मसीहों से वैर नहीं करे तो ख्रिस्ती लोकांशी वैर करू नये। मसीहों से वैर करेंगे आणि ख्रिस्ती लोकांशी वैर केलं ज्यादा दिन तक राजकारण में नहीं रहेंगे आणि जास्त दिवसापर्यंत ते लोक राजकारणामध्ये राहू नाही शकले। सत्य बात आहे आणि सत्य गोष्ट आहे, हमेशा याद रखना, नेहमी लक्षात ठेवा। तो कहने का उद्देश्य प्रयोग परमेश्वर द्रव्य हमारे रोमियों की पत्री में जाएंगे आणि आपण लवकर स्वतःमध्ये जाऊया। तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है आणि तिथे देवाचं वचन परमेश्वर के आधीन रहो, परमेश्वर के सेवकों के आधीन रहना आणि देवाच्या सेवकांच्या आधीन बोले ना केवल क्रोध के डर के मारे आवश्यक है परंतु तुम्हारा विवेक भी गवाही देता है आणि तुमचा जो विवेक आहे तो सुद्धा काही परंतु साक्ष देता है। इसलिए क्या करना चाहिए आणि म्हणून काय केलं पाहिजे, इसलिए कर्मी लोग शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है, इसीलिए सदा इसी काम में लगे रहते हैं। आणि कर सुद्धा त्याने जो शासन करणारा देवाचा सेवक आहे म्हणून ती लोक त्याच कामामध्ये लागून राहतात। इसलिए कर देना यानी जो हमारा टॅक्स आहे या यहाँ पर तो परमेश्वर के सेवक के बारे में बताया है, यानी चर्च के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हम पार करना है। आणि कर देना म्हणजे चर्च प्रति जे काही आपले कर्तव्य आहे त्याला आपण पार करायचं आहे। हर एक का हक चुकाया करो, यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, जिसका जो हक है वो मसीह होने के नाते हमें लेना है। आणि ज्याचा जो हक आहे तो ख्रिस्ती होने के नाते आपल्याला लिहायचा आहे। परमेश्वर काय तो परमेश्वर को दो आणि जे देवाचं आहे ते देवाला द्या। जो
कैसर कह दो, कैसर को दो, आप मत को संध्या 12 में पढ़ सकते हैं। मार कर 12 बजे तो मेरे को बात हो सकते हैं कैसर का है कि कैसर लगा। यीशु मसीह को परखने के लिए और यीशु मसीह का पार करने साथ ही उसे पूछा गया कैसर को कर देना है क्या। आई गलत विचार था कि कैसर को कर देता है। यीशु ने कर देने के लिए मना नहीं किया। आई यीशु ने कर देना मना किया नहीं। उसने कहा ये सिक्का किसका है। आई तेरे मतलब सिक्का कौन सा है। कैसर का है। आई कैसर का है। ये कैसर का है तो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आई सांगते जे कैसर का है ते कैसर का है जे देवा का है ते देवा का है। इसका मतलब परमेश्वर कहता है तुम जो चर्च के प्रति तुम्हारे जो ड्यूटी है कर्तव्य है दान दशम देना फंड भरना या तुमने कोई मदद किया उसे तुम पहले पूरा करो। आई चर्च के प्रति जे काही कुछ कर्तव्य है दान दशम देना फंड भरना किया तुम्ही काही नवस केलेला आहे तर ते पहिले करा। जैसे जो कैसर का है तुम्हारा लाइट बिल तुम भरना चाहिए। आई जे कैसर का है म्हणजे तुमचे जे लाइट बिल आहे तो तुम्ही भरला पाहिजे। आकडे पे लाइट नहीं लेना चाहिए। अरे आकडे तो लाइट नहीं घेतली आता तो टेलिफोन बिल टेलीफोन का बिल आणि टेलिफोनचं घर पट्टी घर पट पाणी का पट्टी पाणीचं ते सब टाइम टू टाइम भरना चाहिए। आणि सर वेळेवर आपको भरलं पाहिजे। ये टाइम टू टाइम करोगे तो आपको गवर्नमेंट से या आपके जो ग्राम पंचायत से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आणि जर तुम्ही सर वेळेवर भरत राहा किंवा करत राहा तर तुमचं जे गवर्नमेंट आहे तुमचे जे ग्राम पंचायत आहे त्यांचे तुम्हाला काही त्रास होणार नाही। हमारा टाइम टू टाइम होना चाहिए आणि आपके वेळेवर ते असलं पाहिजे। अगर आप भाडे पे घर पे रहते हो आणि भाड्याच्या घरामध्ये राहता आपका भाडा बराबर टाइम टू टाइम जाना चाहिए। जो भाडा आहे तो वेळेवर गेला पाहिजे। उसमें आपको ऐसा वो लोग तुम्हारे परमेश्वर की और तुम्हारी निंदा करे ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमसे देवा जी निंदा भावी की और तुमसे निंदा भावी ऐसा तुम्हें लोगों ने करूँ नहीं। इसलिए यहाँ जो लिखा है जिसका जो हक है वो चुकाया करो। आई कौन भी देने तरह की जैसे जो हक है तो चुकवत करो। किराने का बिल आपका आया है तो आपको उसको चुकाना आपका ड्यूटी है। आई किराने से बिल जब तुमसे आ रहा है तो ते चुकोगे तो तुमसे कर्ज का है। बहुत शर्म की बात है किराना वाला आपके दरवाजे पर आकर आपसे मांगता है या चार आदमी के बीच में किराने की दुकान से आवाज देता है ओ किराना कब देगा पैसा ऐसा बोलना वो शोभा नहीं देता। आणि दादाजी गोष्ट आहे की किराणा वाला तुम्हाला 7-14 मध्ये पैसे मागतो किंवा आवाज देतो तुम्हाला पैसे विचारतो हे लाजेची गोष्ट आहे। आप मसीह हो मसीह होने के नाते आपको जिसका जो देना है वो बराबर से टाइम टू टाइम दो। आणि जर ख्रिस्ती होण्याचे नाते की जे तुम्हाला द्यायचे आहे ते योग्य रीतीने तो ते द्यायचं देऊ चालेल। जिसे महसूल चाहिए वो महसूल यानी टॅक्स यानी आपकी घरपट्टी या आपका जमीन का टॅक्स वो सब टाइम टू टाइम भरना चाहिए। अगर आप इनकम टॅक्स परमेश्वर ने इन सारे शासन करने वाले अधिकारियों को हमारे ऊपर इसीलिए रखा है कारण ये शासन करने अधिकारी देवण त्यांना आपल्यावरती नियुक्त केलेला आहे। बहुत बार हम भी जब पद का अनाउंसमेंट करते तो लोगों ने कहा है दीदी राजा जवाब वगैरह दीदी पैसे से बोलत असते। आणि जेव्हा हम चर्च चलाते हैं हम बाहर किसी से डोनेशन नहीं मांगने जाते तो आजले चर्च के लोगों की ड्यूटी है हमारा चर्च हमको चलाना है और आगे तक लेके जाना है तो हमें कुछ तो नियम बनाना ही पड़ेगा। नहीं कुछ तो नियम हम चर्च के द्वारा परमेश्वर को पूछ के बनाए हैं। आणि जे नियम आणि जे आम्ही बनवलेले ते देवाला विसरून बनवलेले आहेत आणि आम्ही जे डोनेशन आहे ते बाहेरून घेत नाही तो हे भी नाही दिया तो लेंगे। आई दिल सुधर नहीं तो गलत करेगा लेकिन हम मानते नहीं है। आई हम लोग को मांगत नहीं तो कहने का उद्देश्य आई सामने सा उद्देश्य आज हमारा परमेश्वर हमें कहते थे ये बताना हमारा ड्यूटी हम बताते आणि हे सांगणं आपलं कर्तव्य आहे सांगतो लेकिन आपका ड्यूटी है कि इसे पालन करना आणि तुमचं कर्तव्य आहे याचं पालन करना अर्थ ये बताया जाता है आणि याचा अर्थ इथे सांगण्यात येतो इसका अर्थ ये की हमें इसे पालन करना हमारा ड्यूटी आणि याचा अर्थ हा आहे की याचं पालन करणं आपलं कर्तव्य आहे इसे पालन करना आणि आपल्याला पालन करायला प्रशासन के और परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए हम चर्च के पास्टरों के अधीन है उसका अर्थ होता है। आणि देवा जेव्हा की जे नियुक्त केलेले जे पास्टर आहेत आणि जे प्रशासक आहेत त्यांच्या आपण आधीनतेमध्ये आहोत हे ठरले जातो। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के दासों के आधीन कलीसिया के आधीन और जैसे चर्च के आधीन और संसार में जितने लीडर्स हैं उनके आधीन हम रहना। आणि देवा जी चाहे की आपण देवाच्या दासांच्या आधीनतेमध्ये जे पुढारी आहेत त्यांच्या आधीनतेमध्ये आणि देवाच्या लोकांच्या आधीनतेमध्ये हम धोका नाही देणार आणि आपण कोणाला फसवू नये किसी को फसाव ईश्वर किसी को धोका नाही आणि ईश्वर कोणाला फसवू नये मसीह लोग भी किसी को फसाए नहीं आणि आपण चर्च को फसाए ना पास्टर को फसाए ना हम हमारे गवर्नमेंट को फसाए आणि आपण ख्रिस्ती लोकांनी सुद्धा कोणाला फसवू नये नाही पास्टरला नाही चर्चला नाही देशाच्या लोकांना ऐसा होकर भी हम टिकट न निकालना ये गवर्नमेंट को फसाना है आणि पैसे मसुद्धा जेव्हा आपण टिकट काढत नाही आपण गवर्नमेंटला फसवत आहोत ऐसा होकर भी हम रेशन का बिल न भरना हम फसा रहे रेशन के दुकानदार को फसा रहे आणि पैसे असून सुद्धा आपण रेशनचं बिल देत नाही ते रेशन वाल्याला आपण फसवत आहोत हम अगर लाइट बिल भर
पैसा हम भर सकते हैं लेकिन हम आंकड़े पे ले रहे वो गलत है, हम गवर्नमेंट को फसा रहे। आणि लाइटीचं बिल आपण भरू शकतो पण आपण आकड्यावरती गेले तर ते आपण काय करतो सरकारला फसवत आहोत। पाणी कमी हम भर सकते हैं, पाणी इस्तेमाल करो नहीं करो, हमने लाइन कनेक्शन लिया है हमें भरना है। आणि पाणीचा वापर आपण करू किंवा नाही करू देत पण तरी सुद्धा आपण त्याचं कनेक्शन घेतलेलं आहे ते भरायचं आहे। तो कहने का उद्देश परमेश्वर कहता है जिसका जो हक है वो दो। आणि सामीचा उद्देश देव आपल्याला म्हणतो की ज्याचा जो हक आहे तो त्याला द्या। तितूस निकालेंगे आणि तितूस करूया तितूस अध्याय तीन तितूस अध्याय तीन उसका एक और दो जैसे एक आने दो त्यांनी सत्ताधीश व अधिकारी यांच्या अधीन राहावे त्यांच्या आज्ञा पाळाव्यात प्रत्येक चांगल्या कामाला सिद्ध असावे। अच्छे काम के लिए देना चाहिए आदेश देना चाहिए कोणाची निंदा करू नये किसी की भी निंदा करे नहीं जो भी प्रशासन है जिसमें जो भी अधिकारी है अधिकारियों के अगेंस्ट हमें बात करने को मना किया गया है। बाकोरपणा न करता सौम्य व सर्व मानसांवर व सर्व प्रकारे नम्रतेने वागणारे असावे। आप कैसे होने चाहिए नम्रता से सब आदमियों के साथ अच्छी रीति से बर्ताव करने वाले अशी त्यांना आठवण दे ऐसे याद करके दे कारण आपणही पूर्वी निर्बुद्धि अवज्ञ करणारे बहुकेले नाना प्रकारच्या वासनांचे व विलासांचे दासे करणारे दृष्टपणा व हेवा यात आयुष्य घालवणारे द्वेष पात्र व एकमेकांचा द्वेष करणारे असे होतो वैसे लोक ते नववचन आणि नववचन परंतु मूर्खपणाचे वाद वंशवळ्या कलह व नियमशास्त्र विषयीची भांडणे यांपासून दूर राहा कारण ते निरुपयोगी आहेत व व्यर्थ आहेत। जिस बातों से कोई फायदा नहीं उन बातों पर आर्ग्युमेंट वाद विवाद करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। आणि ज्या गोष्टीपासून काम कोणत्याही प्रकारचा लाभ होणार नाही त्या गोष्टीवरती वाद विवाद करून तरी स्वतःचा वेळ व्यर्थ घालवू नका। दुसरं आपण पडेल पहिला पत्रस आणि वाचून पहिला पत्र अध्याय दोन पुस्तक 13 असेल आणि त्याचं 13 पासून पहिला पत्रस पहिला पत्र अध्याय दोन पुस्तक 13 असेल आणि त्याचं 13 पासून प्रभु करता तुम्ही माणसाने स्थापलेल्या प्रत्येक व्यवस्थेच्या अधीन असा। हा जो प्रबंध करने वाले है जो परमेश्वर ने जिनको आपके ऊपर अथॉरिटी दिया है उनके अधीन रहो। राजा श्रेष्ठ म्हणून त्याच्या अधीन असा। हा इस संसार का जो भी मिनिस्टर है उसको परमेश्वर ने चुना है प्रधान बोलकर उसके अधीन रहो। आणि अधिकारी हे वाईट करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी व चांगले करणाऱ्यांची प्रशंसा करण्यासाठी। हा पुलिस वाले या दुसरे डिपार्टमेंट के लोग क्यों है क्योंकि बुरा काम करने वालों को शिक्षा देने के लिए है और चांगले करणाऱ्यांची प्रशंसा करण्यासाठी और जो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने उन हाकिमों को यानी लीडर्स को और पुलिस वालों को इनको रखा है त्याने पाठवलेले आहेत म्हणून त्यांच्याही अधीन असा। इसीलिए जैसे तू चर्च के अधीन हो वाचवानों के अधीन हो वैसे उनके भी अधीन रहो। कारण देवाची इच्छा अशी आहे की तुम्ही चांगले करत राहो निर्बुद्ध माणसांच्या अज्ञानाला कोठेही करावे। हा आप क्या देना चाहिए बुद्धिमान होना चाहिए निर्बुद्धि लोगों के जैसा अपनी बुद्धि बंद करके नहीं रखना है। दृढपणा जागण्यासाठी आपल्या स्वतंत्रतेचा उपयोग न करता आप मसीह होने के नाते आपको प्रभु ने छुड़ाया है स्वतंत्र किया है तो पाप करने के लिए नहीं इसीलिए स्वतंत्रता पाप करने के लिए इस्तेमाल मत करो। तुम्ही स्वतंत्र तरी देवाचे दास असे रहा सर्वांना मान द्या। हा मसीह होने के नाते आप सबको रिस्पेक्ट देना है और बंधु वर्ग और प्रीति करा मसीह होने के नाते मसीह भाईचारा रखना है देवते भय करा परमेश्वर को डरो राजाचा मान रखा। हाँ जो इस संसार में अधिकारी है अथॉरिटी है उनको आप सम्मान दो ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम क्या करना चाहिए इस संसार के सारे अधिकारियों के लिए जो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किए हम उनके लिए प्रार्थना करना। आणि म्हणून या जगाचे जो काही अधिकारी आहेत तेव्हाही त्यांना नियुक्त केले आहे म्हणून त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना केली तरी हम क्या क्या प्रार्थना करें आणि मग आता काय काय आपण प्रार्थना करायला पाहिजे पहिले हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए। देखो अभी हमारे पास उन राजाओं के पास जाने के लिए परमिशन या अथॉरिटी है क्या आणि आपल्याकडे त्यांच्याकडे जाण्यासाठी काही कोणत्या प्रकारचे प्रमाण आहे क्या आणि आपल्याकडे त्यांचं घर माहिती आहे हमें उनको कुछ बताना है आणि आपल्याला काही सांगायचं आहे तर उनको अंदर देंगे क्या आणि ते लोक आपल्याला आतमध्ये घेतील का हम इतने फेमस लोक नाही आणि एवढे फेमस आपण लोक नाही लेकिन एक जन के पास हम बहुत फेमस है आणि एक व्यक्तीकडे आपण खूप फेमस आहोत वो है जीसस फेमस आणि तो आहे येशू कडे वो गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट का अधिकारी और राजा है आणि तो सर्व गवर्नमेंटचा राजा आणि अधिकारी आहे कभी भी जा सकते आणि त्याच्याकडे आपण कधी जाऊ शकतो
उसके पास हमारी पहचान है, वो हमारा हमको पहचानता है, हम उसको पहचानते हैं। आई तो आपने आपको सुधा तेरा ओळखतो, हम मोदी को पहचानते हैं। आई आपण मोदीला ओळखतो, मोदी हमको नहीं पहचानता। आई मोदी आपले ओळखते, मोदी से भी श्रेष्ठ गवर्नमेंट है येशु का गवर्नमेंट। आणि मोदी पेक्षा सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट आहे येशु का गवर्नमेंट। हमारे पूरे भारत सारे संसार में रशिया और अमेरिका सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोला जाता है। आणि आपल्या पूर्ण जगा पूर्ण जगामध्ये रशिया आणि अमेरिका आणि श्रेष्ठ गवर्नमेंट म्हणून ओळखले जाते। जो बायडन मुझे नहीं पहचानता, आपको नहीं पहचानता। आणि जो बायडन आहे तो आपण तुम्हाला आणि मला ओळखतो। वो रशिया का पुतिन, वो आपको मुझे नहीं पहचानता। आणि रशियाचा जो पुतिन आहे तो तुम्हाला आणि मला ओळखतो। लेकिन उससे बड़ा गवर्नमेंट जो चलाता है सारे संसार को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपनी मर्जी पूरी करता है, वो है येशु गवर्नमेंट। आपको मुझे पहचान है। जो सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट है यानी पूर्ण जगह नियंत्रण के लिए जो तुम्हारा माला चालू तो गवर्नमेंट है येशु गवर्नमेंट। संसारिक गवर्नमेंट के पास हम जा नहीं सकते, जगह गवर्नमेंट पर आप लोग जाऊ सकता है, उनके पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लिया बहुत होगा, खर्च सुधा खूब होगी है ना। लेकिन यहाँ इस गवर्नमेंट के पास एनी टाइम हम जा सकते हैं। आणि हा जो गवर्नमेंट आहे त्याच्याकडे कोणत्याही वेळेला आपण जाऊ शकतो, पैसा नाही लागत आणि तिथे पैसे लागत नाही, फ्री आहे आणि फुकट आहे। इस गवर्नमेंट से हम कभी भी बात कर सकते, आणि या गवर्नमेंटशी आपण कधी बोलू शकतो। इसलिए इस गवर्नमेंट को जो हम बोलेंगे ना, आणि या गवर्नमेंटला जे काही आपण बोलू ना, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। ऊपर से बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा भारत देश में ऐसे लॉ बना लो। आणि वरतून मोदीला सांगण्यात येईल की भारत देशामध्ये तू अशा प्रकारचे नियम बनवा, मेरे बेटो बेटियों को तकलीफ मत हो, आणि माझ्या मुला मुलीला तू त्रास देऊ नको। हमारे देश से महंगाई, हमारे भारत देश से महंगाई कम कर लो, आणि भारतामधून तुम जी महागाई आहे ती कमी कर, मसीह लोगों का सताव जो है तोडतो है वो बंद कर लो, आणि ख्रिस्ती लोकांचे जो सताव आहे तो बंद करा। एक नया लॉ पास करवाएगा मोदी से, आणि एक नवीन जो नियम आहे तो पास करून घेईल मोदी तर्फे। पास्टर लोगों और चर्च को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, आणि पास्टर आणि जे चर्च आहे त्यांना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भेटेल। अगर हम ऐसा विनती प्रभु से करेंगे तो प्रभु मोदी से करवाएगा। आणि जर अशी विनती आपण देवाकडे करतो, देव काय करून घेईल मोदी कडून ते करून घेईल। आणि करू शकतो, होऊ शकतो ना, आणि होऊ शकतो ना, हो सकता है, होऊ शकतो हमारा येशु कर सकता है। इसलिए हम अभी जाकर मोदी को कहेंगे तो मोदी बोलेगा तू कौन है, क्या है, तू एक साधारण व्यक्ति है, तुम क्या गारंटी से मुझे बोलता है, अभी मैंने उनको वोट दिया, मैंने जिताया है। लेकिन वो बोलेगा जिताया तो क्या हुआ, आणि जिंकल बोलेगा सर। लेकिन हमारे येशु को हम बोलेंगे तो, आणि आपल्या येशूला जर आपण बोललो तर सब कुछ हो रहा है, सर्व काही होईल। मसीह लोग पृथ्वी के गवर्नमेंट से बड़े हैं, हम आत्मिक रीति से हम वर्चस्व करने वाले राजा हैं, हम राजा हैं। आणि प्रियांना आपण जे ख्रिस्ती लोक आहोत ते जे जगी गव्हर्नमेंट आहे त्याच्यापेक्षा वाढी आहोत, आणि आपण राजे आहोत, हम राजे आहे, आणि आपण राजक आहे, आणि याचक आहोत। लेकिन हम इस संसार के जितने जैसे हमने बोला जो बायडन और पुतिन उससे भी बड़े बड़े पद पर है ना, जो बायडन आणि जो पुतिन आहे त्याच्यापेक्षा आपण मोठ्या पदावरती आहोत। आज वो हमको नहीं पहचानते, लेकिन सबसे बड़ा गवर्नमेंट हमको पहचानता है। आईटी लोग आज अपने ओळखत नाही, पण जो सर्वात मोठा जो सरकार आहे तो आज अपने ओळखतो। हमें सिर्फ करना क्या है, आणि आपल्याला फक्त करायचं काय आहे, हमें देखो हमें उनके पीछे काम करने वाली आत्मा जो मसीह के विरोध में उससे हमें लड़ना है, आणि त्यांच्या मागे जे कार्य करणे जे दुष्टात्मा जे ख्रिस्ताच्या विरोधामध्ये आहे त्यांच्याशी आपल्याला युद्ध करायचं आहे, उनको निकालना है, त्यांना काढून टाकायचं आहे। वो उसके द्वारा वो मसीहों को सताते, कारण त्यांच्याद्वारे ती काय करते, ख्रिस्ती लोकांचा छळ करते, लुटने वाली आत्मा को डाटना, आणि लुटणारी जी आत्मा आहे तिला काढायचं आहे। वो वृत्ती आहे जी हमारे पास महंगाई वाढ जाती है, हमारा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाता है, अन्नधान्य का भाव बढ़ जाता है, भाजी का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि वो लूट रही है इंडिया को, भारत देश को लूट रहे लोग। आणि ते भारताला लुटत आहे म्हणजे आपली महागाई ती वाढत चाललेली आहे ना। अभी वो ऐसा लॉ कडक नाही निघाल रहे जिसके कारण हमारे भारत देश की औरतें सेफ हो, ऐसा लॉ निकालना चाहिए जिससे अभी सेफ नहीं, तो हम क्या करना चाहिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली आत्मा से लड़ना चाहिए, आणि त्यांची जी बुद्धि भ्रष्ट करण्याची आत्मा आहे त्याच्याशी आपण युद्ध केलं पाहिजे। अभी हम प्रार्थना क्या करना चाहिए, सेक्शुअली यानी व्यभिचार की आत्मा मंडल रही है और उसके अगेंस्ट में ये लॉ नहीं निकालता है, आणि व्यभिचारीची आत्मा फिरत आहे पण त्याच्या विरोधामध्ये लोक काय ते काढत नाही। इसलिए हम प्रार्थना क्या करना चाहिए, व्यभिचार की आत्मा जो इनके अंदर काम करती है उसे हम पालना चाहिए, उसके अगेंस्ट होना चाहिए। आणि म्हणून आपण प्रार्थना काय केली पाहिजे की व्यभिचारीची आत्मा जी काम करते त्याच्या विरोधामध्ये आपण प्रार्थना केली पाहिजे, त्याला वाचलं पाहिजे। जेव्हा आपण प्रभू से प्रार्थना करते, आणि जेव्हा आपण प्रभूकडे प्रार्थना करतो बोलू शकते प्रभू हमारे मोदी गवर्नमेंट
को हमारे भारत देश के गवर्नमेंट को आप बताओ प्रभु, वो लोग ऐसा ऐसा रूम निकालने दो, वो लोग ऐसा ऐसा करने दो, ऐसा ऐसा ये करने दो, ये हम प्रभु से गिड़गिड़ा के विनती कर सकते। आणि प्रभु फिर आपण आश्चर्य करी गिड़गिड़ विनती करू शकतो की जे आमचं मोदी सरकार आहे किंवा आमचे जे काही पुढारी आहे त्यांना तो बदल। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उनके पीछे काम करने वाले आत्मा से हम विनती नहीं कर सकते, हम उनको कमांड कर सकते हैं। आणि आपले जे गवर्नमेंट आहे आणि त्यांच्या मागे जे कार्यकारी दृष्टांत आहे त्यांच्याकडे आपण विनंती करायची आहे, परंतु त्यांना आज्ञा द्यायची आहे। हम कैसे मालूम आणि आपण कशा आहोत माहित आहे? पहिले परमेश्वर का गवर्नमेंट आणि पहिले देवाचं गवर्नमेंट, उसके बाद हम है आणि त्याच्यानंतर आपण आहोत। पडली अभि हम लोग पत्रस की पुस्तक में ही है दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय सम और उसका नौ से पढ़ो आणि त्याचं नऊ पासून वाचूया। पण तुम्ही तर निवडलेला वंश आप चुने हुए हो, राजकीय याचक गण आप राजकीय याचक हो, सेवा करने के लिए परमेश्वर की भक्ति करने के लिए पवित्र राष्ट्र, पवित्र क्या हो राष्ट्र, परमेश्वर पवित्र राष्ट्र का आणि देव पवित्र राष्ट्राचा राजा आहे और उसके बाद हम है आणि त्याच्यानंतर आपण आहोत, हमारे बाद आणि आपल्यानंतर हमारे भारत देश का गवर्नमेंट आणि आपल्या भारताचं सरकार आहे, हमारे भारत देश के बाद आणि आपल्या भारत देशानंतर हमारा हम लोग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट आणि महाराष्ट्राचं गवर्नमेंट और उसके बाद त्याच्यानंतर अंधकाराची शक्ती आहे जो आकाश में है पृथ्वी पर है, जे आकाशामध्ये आहे पृथ्वीवर आहे और उन लोगों के अंदर है आणि त्या लोकांच्या मध्ये आहे। समजले आहे? तो हम कौन से स्थान पर है? परमेश्वर के बाद। आणि आपण कोणत्या स्थानावरती आहोत? देवाच्या नंतर। तो अभी हम देखेंगे तो हम प्रधान है आणि आता पाहणे झालं तर आपण प्रधान आहोत, याला हम बोल सकते हम परमेश्वर हमारा प्रेसिडेंट, हम प्रधान मंत्री आणि देव आपला मुख्यमंत्री आणि आपण प्रधानमंत्री, परमेश्वर राष्ट्रपती आणि देव राष्ट्रपती और हम प्रधानमंत्री आणि आपण प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री का ज्यादा चलता है ना, आणि आपल्या देशामध्ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अलाव करता है, राष्ट्रपती परवानगी देतो, प्रधानमंत्री करता है आणि प्रधानमंत्री करतो, तो बाद में हमारे बाद है ये सब जो पृथ्वी के आणि नंतर आपल्या नंतर आहे जे पृथ्वीवरचे आहेत ते। आपको समझने आया? तुम्हारा समझ रहा तो इसलिए अपना स्थान ले लो आई मन तुमसे जो स्थान है क्या लगा हक से और गर्व से और होगा ही ऐसा करके प्रार्थना करो, हक्का ने यानी गर्व ने होगी ऐसा करो तो प्रार्थना। आप गवर्नमेंट को कमांड कर सकते हैं आई तो गवर्नमेंट ला आज नहीं देव शक्ति परमेश्वर के लिए पृथ्वी के गवर्नमेंट को आई देव से नहीं करते पृथ्वी का गवर्नमेंट ला। मैंने ऐसे ही किया था, मुझे जो मसीह सताव नहीं चाहिए था ऐसा वाला किसी सताव नको होता, मुझे जो मसीह को सता दे तो मेरा पता नहीं क्यों मैं आज्ञा देती हूँ मैं डेली नहीं करती आणि आज्ञा जी देते की ते रोज करत नाही की
आज के बाद सताव नहीं होना चाहिए, कोई जो उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। मैं आगे अगर मैंने डेली नहीं किया ना, फिर बीच में एक सुनने को आती हूँ, जो मैंने यूट्यूब खोल ली तो मुझे देखने आता है कि आज इस चर्च में प्रार्थना होती है, फिर मैं सोचती हूँ हाँ मैंने प्रार्थना नहीं किया, फिर मैं वापस प्रेयर करती हूँ। मैं यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी चर्च सताव करने वाली अशुद्ध आत्मा को मैं बांधती हूँ, आइंदा कोई चर्च के ऊपर अटैक नहीं करना, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पार्टी के द्वारा अटैक नहीं करना। मैं आज के बाद तुझे आज्ञा देती हूँ, जो मैं ऐसा कमांड करती हूँ फिर नहीं होता। और जब मैं आशा देती हूँ आज्ञा देते हैं वो नहीं होता है, अगर मैं करती हूँ तो आप लोग करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं कर जाएंगे तो फिर कहते हो हम ईश्वर से प्रार्थना करना। आई अपने ईश्वर को प्रार्थना करे प्रभु कहते हैं तू प्रार्थना के साथ साथ मलयुद्ध भी कर। आई प्रभु बोलते तो प्रार्थना जाओ तो मलयुद्ध सुधर करे, प्रभु से तो हम लड़ नहीं सकते, प्रभु को बोल नहीं सकते ना कि तू देख कर भी तू अनजान क्यों होता है, तू बचाता क्यों नहीं। प्रभु बोलते हैं मैंने तुझे दिया है अथॉरिटी, तुम लड़ो ना, मैं हूँ, मैं ऊपर से स्वर्ग दूत भेजूंगा, तुम सिर्फ लड़ो, मैं आगे का काम करूंगा। आई देव मैं बोलता हूँ क्योंकि अधिकार दिया है तू युद्ध कर, मैं बोलो स्वर्ग दूत सुधा पाटिल तू फक्त काय कर युद्ध करने की पूर्ण काम करे। कैसा लगेगा भारत का सोल्जर, आई कसा वाटेल भारत का जो सोल्जर है कि वो
उनके लिए हमने प्रार्थना नहीं की, हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन आज से हमारे रोज की प्रार्थना में, हमारे रोज की प्रार्थना में, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, सत्ताधिकारी के लिए, हाकिमों के लिए, अधिकारियों के लिए, सोल्जर्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कोर्ट के लिए, वकीलों के लिए, जज के लिए, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, परमेश्वर के पीछे मैं पंथी अहंकार की, दुष्टता की, लालच की, मूर्ति पूजा की, जादूटोना की, मर्डर की, गुंडागिरी की, झूठ की, झूठ आश्वासन देने वाली, धर्म के ऊपर वाद विवाद करने वाली, मछलियों को सताने वाली, बहुत सारी सारी दुष्टात्माओं का हम अधिकार लेते हैं, मानते हैं, कार्यों को अधिकार परमेश्वर की ओर से इसलिए मिला है ताकि वो प्रजा को इंसानों को न्याय दे सके इन्हें संभाल सके, परमेश्वर का भय मान सके, इसीलिए वो अपना मुख्य हेतु भूल गए और ये सब दुष्टात्माओं ने किया है। हमारा गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट, हमारे महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, हमारे भारत देश के स्टेट के गवर्नमेंट है, वो सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे दुष्ट बुला है, इसलिए उन सारे दुष्ट को हम मानते हैं और उन्हें अता गड्ढे में भेज देते हैं, अधोलोक में भेज देते हैं, और परमेश्वर का भय, ज्ञान हम रिलीज करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, आप राजाओं को उदय करते हो और राजाओं का अस्त भी करते हो, आप उन्हें बुद्धि देते हो, इसलिए प्रभु इन सारे लोगों को बुद्धि दो, जिन जंजीरों में ये बंधे हुए हैं, हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा की अग्नि से जंजीरों के टुकड़ों को नाश करते हैं और इन सबको छुटकारा घोषित और इन सारे गवर्नमेंट के ऊपर हमें अधिकार दिया है, क्योंकि हम यीशु मसीह राजा की राज उसके गवर्नमेंट के हम अथॉरिटी पाए हुए अधिकार पाए हुए प्रजा अधिकारी शिष्य और राजा है, इसीलिए हम राजा होने के कारण हम आज के अभी के गवर्नमेंट को लीडर्स को अथॉरिटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आज्ञा देते हैं, आज के बाद तुमने लॉ निकालना है, एक ऐसे कायदे निकालना है, मसीह सताओ चर्च को प्रोटेक्शन चर्च का तोड़फोड़ करना, इन सबको जुर्माना भरना पड़ेगा। पास्टर चर्च प्रोटेक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग कायदा तुम्हें निकालना है, लेडीज प्रोटेक्शन के लिए स्त्रियों के लिए और लड़कियों को बेचना इनके संबंध में स्ट्रॉन्ग लॉ निकालना है, पुनर्वसन करना, जो पीड़ित है उनको, जिनको काम नहीं है उनके लिए काम उपलब्ध करना, ये लॉ तुम निकालना है और उसके लिए तुम कार्य भी करना है गवर्नमेंट, इंसान के अवयव बेचने वाले
बलात्कार करना, लड़कियों को छेड़ना उनके विरुद्ध में एक स्ट्रांग लॉ निकालना है, जिसके कारण पुरुषों में डर आ जाए, जिसके कारण पुरुषों के अंदर डर आ जाए, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं उन लोगों को माता पिता की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उन्हें बेदखल किया जाएगा ऐसा कायदा पास हो ऐसा निकालो हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कौन साइड असली चित्र बनाने वाले देखने वाले और दिखाने वाले इनके विरुद्ध लॉ पास होना चाहिए इनको बैन कर दो ये चलना नहीं चाहिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आज के बाद ये सब लॉ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा और महाराष्ट्र सारे जितने स्टेट के गवर्नमेंट यीशु के नाम से आगे देते हम घोषित करते हैं देश के लिए अच्छा बजट बनाओ महंगाई कम करने के लिए दैनिक दिन की रोज की जरूरतें सारा रेट कम होने के लिए भाजी धान्य दूध जीएसटी कम करना और गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल सीएनजी स्वस्था होने के लिए भ्रष्टाचार लांच रिश्वत बंद होना और जातीय भेदभाव मसीहों को सताओ दूसरे देश से आक्रमण खुद के देश के लोग अपने देशवासियों को मारना बंद हो जाना चाहिए किसान के लिए और उनके लिए फंड उनके लिए लगने वाले सारे खर्च ये सब प्रोवाइड करना है हमारे देश के नागरिक टैक्स भरने के लिए और नया स्कूल होना हॉस्पिटल रास्ता इलेक्ट्रिसिटी पानी ये सब टाइम टू टाइम होने के लिए इस मामले में हमारा देश प्रोग्रेस करने की आज्ञा देते हमारे नीचे होने वाले सारे गवर्नमेंट्स को भारतीय गवर्नमेंट्स को आज्ञा देते यीशु के नाम से आज के बाद हमारे देश में शांति रखना हमारे देश में पति पत्नी बच्चों के साथ शांति से रहना डिवोर्स सिस्टम बंद कर दो होमोसेक्सुअल शादी लेस्बियन शादी बंद कर दो पत्नी के सिवाय गर्लफ्रेंड को घर में लाना ये लॉ बंद कर दो सेक्स के विरुद्ध व्यभिचार के विरुद्ध कड़क लॉ निकालना चाहिए हमारे सारे नेता सही रीति से काम करने के लिए हम आज्ञा देते हर एक जन यीशु के नाम से प्रेम कृपा शक्ति प्रोत्साहन से सबके साथ अच्छा काम करने के लिए हम आज्ञा देते और घोषित करते हैं हमारे सारे राजकीय नेता हमारे देश कठिन समस्याओं पर उपाय शोधेंगे एकत्रित होकर काम करेंगे पैसों का लालच और मैपन कुर्सी पकड़ के रखना वो सब बंद कर दो मसीह का प्रेम सबके अंदर घोषित कर दे सारे हमारे नेताओं में यीशु का डर हम घोषित करते हैं यीशु की भक्ति आज से उनके अंदर घोषित करते हैं धन्यवाद देते हमारे सारे अधिकारी मसीहों को चैन के साथ सुख के साथ
शांति देने, शांति करने के लिए भक्ति करने के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। हमने जो घोषित किया यीशु के नाम से, हमने जो घोषित किया यीशु के नाम से, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यीशु ऐसा ही करेगा, और हमारा गवर्नमेंट भी, हमारा गवर्नमेंट भी ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। सब पर यीशु का लहू लगा, सब पर यीशु का लहू लगा, हमारे कुटुंब पर भी यीशु का लहू लगा, हमारे कुटुंब पर यीशु का लहू लगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश की गवर्नमेंट के लिए, सारे प्रजासत्ताक चलाने वाले लोगों के लिए, और प्रभु जितने लीडर्स है, एमएलए है, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, सारे हमारे देश के प्रभु मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते, सही रीति से शासन करने के लिए हम उनको आज्ञा देते, उनके पीछे काम करने वाली सारी अंधकार की शक्तियों का प्रधान और सही रीति से शासन करने की हम घोषणा करते हैं। उन्होंने मसीह देश, इस देश में मसीह देश होने के लिए और सब लोग शांति से रहने के लिए और कुशलता से रहने की हम घोषणा करते हैं। प्रभु तुमने कहा ना, तुम तुम्हारे देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि देश की कुशलता तुम्हारी कुशलता। हमारे देश में कभी जातीय भेदभाव नहीं होगा, हमारे देश में कोई भी एक दूसरे को मारेगा नहीं, हमारे देश में कोई भी एक दूसरे का प्रभु हानि नहीं करेगा, खास करके मसीहों की तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे सारे मसीह भाई बहन जाग उठो और प्रार्थना करने वाले होने के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीहत्पन में जीने की घोषणा करते हैं। सब में यूनिटी, मसीह में यूनिटी हम डिक्लेयर करते हैं। सब मसीह एकता से रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रक्षा करना, सुनी देना, एक एक व्यक्तियों का ताला आपके हाथों में दिया है। धन मान सम्मान से जगह से हम तृप्त रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु रक्षा करना, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चर्च के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चर्च के जितने अगुए हैं प्रभु, हम उन सब सेवकों के लिए प्रभु, सेवा उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो घर गली से चलाते हैं प्रभु, जो सीवन चर्च चलाता है प्रभु, उनकी फैमिली के लिए, अजया के लिए, अजय की फैमिली के लिए, दोनों बच्चों के लिए प्रभु, सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रभु, और प्रभु सैटरडे और संडे के सारे सेवकों के लिए, जो घर गली से अपना घर दे दिया उन सारे लोगों के लिए प्रभु, और पवित्र पिता जो आकर संडे के दिन, सैटरडे को, अन्य भिन्न दिनों में आकर अपनी सेवा करते, उन सभी लोगों के हम प्रार्थना करते, अंत तक बने रहने के लिए मदद करना। मैं पन कभी आने नहीं देना, गलत संगति में जाने नहीं देना, अहंकार घमंडी बनने नहीं देना। परमेश्वर का वचन जैसे सिखाना चाहिए वैसे ही सिखाने के लिए मदद करना। प्रभु रक्षा करना प्रभु, कभी भी प्रभु आपसे दूर होने नहीं देना प्रभु, लालच कभी मत आने देना प्रभु। पवित्र पिता किसी की भी सेवा चोरी करेंगे और प्रभु किसी की सेवा के ऊपर दोषारोपण लगाएंगे, प्रभु किसी के पास्टर के ऊपर भी दोषारोपण करेंगे, प्रभु ने सबकी सुनी लेना, रक्षा करना। मेरे लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मुझे भी अंत तक बनाए रखना, अंत तक मेरे आखिरी सांस तक सेवा करने के लिए मदद करना। कलीसिया में एक जन भी उठकर कहने ना पाए कि दीदी ने मेरा एक रुपया खर्चा किया मेरे से मांगा, ऐसा कभी मौका आने नहीं देना, कभी मेरे अंदर लालच आने नहीं देना, मैं आने नहीं देना, नम्र और दीन रखना प्रभु, अहंकार घमंड के कभी मत आने देना, पैर कभी स्लिप होने नहीं देना, मूर्ति पूजा जादू टोना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन मेरे से कभी मत होने देना। अच्छा ऐसे भी प्रभु मूर्ति पूजा जादू टोना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन कभी मत होने देना। जोशुआ से भी प्रभु कभी मूर्ति पूजा जादू टोना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन कभी मत होने देना। सारे सुसमाचार प्रचारकों को और सेवक करने वाले लोगों को कभी मूर्ति पूजा जादू टोना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन होने नहीं देना। और सीवन चर्च में आने वाले किसी को भी प्रभु मूर्ति पूजा जादू टोना व्यभिचार तिरस्कार व्यसन करने नहीं देना, रक्षा करना प्रभु। सबकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना, अंत तक आपके राज्य में बने रहने के लिए तुम मदद करना। इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से नेतृत्व करना प्रभु। इन सारे पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, और पाप से बुराई से दुष्टाई से दूर रखना, और प्रभु इन्हें तू बचाए रखना। तू इनकी ढाल, तू इनका कवच, इनका प्रभु इनका स्वामी है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है प्रभु। इनकी सुधि लेना, इनके मनोरथों को पूरा करना, इनके वैवाहिक कौटुंबिक जीवन में शांति देना प्रभु। और रोज की प्रार्थना में आज से प्रभु इन सारे अगुओं
लोगों के लिए, सारे लीडर्स के लिए प्रेयर करने के लिए मदद करना पड़ा। कभी कविता सियोन चर्च में कभी गलत शिक्षण होने नहीं देना, कभी भी गलत बहकावे में आने वाला कभी भी कोई बात होने नहीं देना। सियोन आपका है, हमेशा आपकी महिमा करता रहेगा। हम सभी को यीशु के लहू से धोया हुआ, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा दोनों मैं आपको दे दूँ, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हूँ। आमीन। बैठ जाएं। प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक का नाम भी आप लेकर देख सकते हैं, एक एक का नाम भी तुम करू शकता।